बड़े होकर के क्या बनना है बाबू को? में बड़ा होकर क्या बनना है? आर्मी। रामचंद्र जी का रोल बन करना है आपको? मम्मी बोली अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? किस क्लास में? नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं शारदा शिशु तीर्थ के प्रांगण में, जहां जो शारदा शिशु तीर्थ सिलीगुड़ी पीसी मित्तल बस स्टैंड सेवक रोड के करीब है। आपको बता दें इस स्कूल में क्रीड़ा प्रतियोगिता बच्चों का आज चल रहा है। तो आप आइए मेरे संग अंदर प्रवेश करते हैं और उन बच्चों को देखते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, माँ सरस्वती आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन्यवाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड सिलीगुड़ी, श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। आपका स्वागत है मैम द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो मैम, आज का प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे, ये शारदा शिशु तीर्थ में जो स्पोर्ट्स हो रहा है इसके बारे में? जी, आज शारदा शिशु तीर्थों का जो वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता है, अभी कुछ दिन पहले ही इनका सरस्वती पूजा का भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित था। मैं आई थी उसमें, बच्चों ने आवृत्ति, नाच, गाना, साथ में ड्राइंग्स, आप देखेंगे अगर स्कूल में भी इनके ड्राइंग्स लगे हुए हैं। तो मैं हमेशा ही स्कूल के हर प्रोग्राम में आती हूँ। आज इनका एनुअल स्पोर्ट्स डे है, इनका जो बैंड है स्कूल का निजी जो बैंड, उनका भी परफॉर्मेंस सराहनीय रहता है। बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में, अनुशासन में, बड़ों को इज्जत देना, तो इसका मैं श्रेय स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, सबको देना चाहती हूँ। और ये सब जगह के हमें अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, तो एक हमारे लिए भी बहुत ही एक इमोशनल दिन रहता है। खुद अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे हम भी याद कर पाते हैं, तो प्रोग्राम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से आयोजित किया गया है। ऐसे समय में मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों को, बच्चों को? जी, आज के ज़माने में तो हम लोग जानते हैं स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन, दोनों ही पारस्परिक हैं, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जो हम बोलते हैं हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, तो पढ़ाई लिखाई को हम जितना ही जोर देते हैं, उतना ही जोर हमें स्वास्थ्य को, साथ में स्पोर्ट्स को देना चाहिए। और हमारा देश भी तेज़ी से अब आज के दिन कॉमनवेल्थ ओलंपिक सब में हमारे मेडल्स आते हैं, तो इस फील्ड में भी ध्यान देना तो आज के दिन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शिविका मित्तल, मैं इस वार्ड 41 की काउंसिलर। धन्यवाद मैम। थैंक यू। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी। क्या बने हैं आज? श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी किस क्लास में पढ़ते हैं? टू। आपको कौन बोला कि श्री रामचंद्र जी का रोल बन करना है आपको? मम्मी बोली बड़ा होके क्या बनना है आपको? पुलिस बनना है। चलिए, आप बड़ा होके जरूर बनेंगे पुलिस। अपने माँ पापा को प्यार कीजिए, अपने टीचर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका स्वागत है। तो मैम, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल में? प्रकाश श्रेणी में। मैम, कब आप एडमिशन करवाएं? 2 साल हो गया। कैसा लग रहा है आपको इस स्कूल का माहौल, इसमें बच्चे को पढ़ा करके? बहुत अच्छा है स्कूल का माहौल, देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से पता चला आपको इस स्कूल के बारे में? आसपास के सब लोग भर्ती करते हैं, इसलिए हम भी भर्ती किया यहाँ पर। आपका नाम है? वंदना पाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? क्लास 4 में। तो मैम, आपको इस स्कूल के बारे में, आपका नाम क्या है? शिविका। अच्छा, तो मैम किस क्लास में बाबू को दिए यहाँ पे? अंकुर से, क्लास नर्सरी से। अच्छा अच्छा मैम, आज बाबू क्या सजा है यहाँ पे? क्या नाम है आपका?
तो कैसा लगा आपको आज ये बाबा भोलेनाथ का रूप धारण करके? बहुत अच्छा। आपको कौन बोला बाबा भोलेनाथ बनने के लिए? मम्मी बोली। तो आज आप क्या करने वाले हैं? आज मैं स्कूल में परफॉर्म करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास फोर। क्या नाम है आपका स्कूल का? आपका फेवरेट टीचर कौन है? चलिए आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए आप कौन। ओ बंगाली। बड़ा होके क्या बनना है? वाह ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिवाजी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन बोला आपको ये बनने के लिए शिवाजी महाराज? मम्मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांतनु। किस क्लास में पढ़ते हैं? हाँ किसान गुहा। किस क्लास में पढ़ते हैं बाबू? हाँ फ्री में। बड़ा होके क्या बनना है? आर्मी। चलिए मैं आपको हृदय से जय हिंद बोलता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, आप जरूर एक दिन आर्मी बनेंगे। चलिए धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए हमें बताइए कि आपके बच्चा किस क्लास में पढ़ता है साझा शिशु तीर्थ में? एक तो सबसे पहले दी ग्लोबली न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत, और खास करके साझा शिशु तीर्थ स्कूल में आप आए हैं। और मैं इस स्कूल से विगत मेरे चार बच्चे हैं, जिसमें से एक मेरी बच्ची 10 पढ़ के इसमें से निकली है, और एक बच्ची मेरी 9 में है, और एक बच्ची 5 में है, और मेरा लड़का प्रकाश में। और इस स्कूल का क्या कहना है सबसे? प्रकाश बोले तो क्या? प्रकाश बोले यहाँ पे नर्सरी बोला जा रहा है। अच्छा जी जी। और इस स्कूल के विषय में क्या बोले, जितना ही हम लोग तारीफ करें उतना ही कम है। खास करके हमारे जो कल्चर है और हमारे जो नियम कायदे हैं, वो चीज़ हम लोगों के लिए बहुत मैंने बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। और स्कूल में है कि देखिए साल में एक बार भेंट करने का मौका मिलता है, लेकिन सरदार से सूचित स्कूल ऐसा है कि हमेशा ही संपर्क में हम लोग रहते हैं। और ख़ास करके आज मेरी बच्ची ये स्कूल से निकल चुकी है, क्लास 11 में दूसरी जगह पढ़ती है, उसके बावजूद भी इस स्कूल के जो आचार्य जी हैं, आचार्य हैं जो पढ़ने तक इस स्कूल तक ही सीमित नहीं है, इस स्कूल से निकलने के बाद भी उन लोगों को मैंने खास करके हमारे आचार्य जी हैं, उन लोगों को आगे का भविष्य के लिए बहुत चिंता रहता है कि हमारे स्कूल के बच्चे। आपको कहाँ से पता चला इस स्कूल के बारे में? जी मैं एक समय ये स्कूल जो था, आज देख रहे हैं बहुत बड़ा बिल्डिंग हो चुका है, एक समय इस सामने में स्कूल था जिस समय बंगला क्लास का 4 तक ही था और हिंदी विभाग का 5 क्लास तक था। और मैं अपने एक भाई का एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे आया था, और ये 5 तक यहाँ पढ़ा, 5 के बाद 6 अपना इस सरदार शिशु तीर्थ का ही स्कूल है सूर्यसन कॉलोनी में, जो कि वहाँ से वो 10 तक किया। और सरदार शिशु का देन है कि आज वो मेरा भाई जर्मन में इंजीनियर है, और एक मेरा भतीजा भी इस स्कूल से पढ़ा जो कि आज मेडिसिन लाइन में है। और क्या बोले, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, खास करके मुझे गर्व होता है कि मैं इस स्कूल में अपना बच्ची को पढ़ाया, भाई को पढ़ाया। कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर यहाँ पे हो गया आपका सबक रोड में शांति नर्सिंग होम है, उसके बगल में मेरा घर है। आप आज के पूरे सिलीगुड़ी वासी से हम कहेंगे कि अपना संस्कार बचाना है और संस्कार को देखना है तो सरदार शिशु तीर्थ का बच्चे लोग को पढ़ाएं। आपका नाम एक बार फिर से? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। क्या अनुष्ठान हो रहा है हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में बताइए? 28वां वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता, 28th एनुअल स्पोर्ट्स। सर किन किन क्लासेस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? सर अंकुर से क्लास 10 तक, जिसका उम्र 3 साल से 16 साल तक। उनको सर कोई विशेष प्रशिक्षण दिया गया है क्या ये स्पोर्ट्स के लिए? सर थोड़ा बहुत तो दिया जाता है जी सर। और सर क्या क्या खेल प्रतियोगिता क्रीड़ा प्रतियोगिता में रखा गया है सर? खेल में दौड़ है जी सर, शॉट पुट है, डिस्कस है, लॉन्ग जंप है, और बॉल लेकर दौड़, कमला लेकर दौड़, महापुरुष का मिलाकर दौड़ है जी सर, महापुरुष का छवि लेकर मिलाकर दौड़ है जी सर। सर बाय द वे टोटल लगभग कितने बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं सर? 500 से अधिक जी सर। सर आज के समय में और क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को और साथ में उन बच्चों को जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं और जो बाहर में दूसरे स्कूलों में भी पढ़ते हैं? हम चाहते हैं उन पढ़ाई के साथ साथ खेल धूल में आगे बढ़े, विद्यालय का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे।
सर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन एक बार बता दीजिए। हमारा नाम निर्भय कांति घोष, स्कूल का प्रधानाचार्य। क्या नाम है आपका? नितेश यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं? प्रकाश। अच्छा, इस स्कूल में पढ़ के कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कितने सारे दोस्त हैं आपके? चार हैं। क्या नाम है उन लोगों का? पता नहीं। अभी आपको पता नहीं है, भूल गए हैं। अच्छा, बाय द वे, बड़े होकर के क्या बनना है बाबू को? डीएसपी बनना है। मैं आपको अभी से सैल्यूट करता हूँ और आप जरूर एक दिन डीएसपी बनेंगे। सुबह उठ के पापा माँ का पैर छू के प्रणाम कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि भगवान राम ऐसे करते थे और सभी जितने भी महापुरुष हैं अपने गुरुजनों को और अपने माँ पापा का प्रणाम करते थे, तो आप भी करेंगे ना? गुड, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।